प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो दौरे जो आने वाले दिनों में बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, 23 सितंबर को वाराणसी आएंगे पीएम मोदी, अटल आवासीय विद्यालयों की सौगात देंगे। 9 सालों में पीएम मोदी का ये वाराणसी का 42वां दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां पर वो 42वीं बार आने वाले हैं, और इसके लिए जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते हैं तो करोड़ों की सौगात लेकर पहुंचते हैं। पीएम मोदी रोहनिया इलाके में जनसभा करेंगे। पीएम मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी 23 सितंबर को एक दिवसीय वाराणसी दौरे पर आएंगे, जहां वो मेगा रैली के साथ साथ कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही रोहनिया इलाके में पीएम की एक जनसभा का भी आयोजन होगा। तो वाराणसी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 दिन में 3 बार मध्य प्रदेश भी आएंगे। जी हां, 14 से 25 सितंबर तक पीएम के 3 दौरे प्रस्तावित हैं। 14 सितंबर को सागर के बीना में होगी सभा, तो 18 सितंबर को ओंकारेश्वर आएंगे पीएम मोदी, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण होगा। तो 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ में आएंगे, और इस कार्यकर्ता महाकुंभ का भूमि पूजन अभी बीते दिन ही किया गया, और अंदाजा लगाया जा रहा है, इस बात की अटकलें हैं और भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि इस कार्यकर्ता महाकुंभ में 5 लाख से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। ओंकारेश्वर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो वहां पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे।